अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भवानी माँ आ चुकी हैं चुनाव मैदान पर, क्योंकि ये आप पार्टी से आई हुई हैं और यहाँ पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो रीता बहुड़ा जोशी है। कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन हम जानेंगे कि आखिर किस मुद्दों को लेकर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है वो मैदान में उतरी है। जय श्री महाकाल। देखिए, मेरा मुद्दा आम जनता का मुद्दा है, मेरा अपना मुद्दा है। वही परेशानियां जो 70 साल पहले थी, वही परेशानियां आज भी हैं। वही हमारे समाज में शिक्षा का इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, बच्चे अच्छी अच्छी डिग्रियां लेते हैं और काम जब एजुकेशन का पा लेते हैं, पाने के बाद उन्हें जब जॉब नहीं मिलता, जॉब मिलता है तो उनके पास कभी ऑडिट बैठ जाता है, कभी कब कुछ हो जाता है, नहीं मिलता। मेरा काम यह है कि मेरे बच्चे मेरे संसदीय क्षेत्र से बाहर नौकरी नहीं, नौकरी मेरे संसदीय क्षेत्र में आए, मेरे हॉस्पिटल के में बाहर नहीं जाए मरीज, मेरे क्षेत्र में खुद आए, सड़कें मेरी अच्छी बनी रहे, पानी मेरा अच्छा। मेरे पास सिर्फ यही छोटे छोटे मुद्दे हैं जो मेरे समाज के हैं और इन्हीं मुद्दों को लेके मैं चुनाव में आई। प्रयागराज चुनने की खास वजह क्या रही आपकी, क्योंकि कुंभ हुआ यहाँ पे, कुंभ में आपको बेइंतहा लोगों का समर्थन मिला है, प्यार मिला है और भक्त भी काफी आपके पास आए हैं, तो किस नजरिए से आप देखती हैं इसको? देखिए, पहले तो मैं आप ये जाने कि मैं किन्नर हूँ, बहुत प्रसिद्ध महामंडलेश्वर हूँ और किन्नर किसी का एहसान नहीं रखता। 12 लाख पब्लिक ने जो हमें अपना प्यार मोहब्बत दिया है, उस प्यार मोहब्बत को चुकाने यानी उनका क्या कह सकते एहसान तो नहीं कह सकती, सिर्फ एक कर्जा या उनकी सेवा करने का मौका चाह रही हूँ और वो समाज में जीते हैं। किस तरह से, चूंकि यहाँ पे अब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, रीता बगड़ा जोशी यहाँ पे प्रत्याशी हैं और काफी पुरानी नेता रही, लीडर रही हैं और यहाँ पे हेमवती नंदन बगड़ा जी की वो पौत्री हैं, तो क्या कहना है उस पर आपका, कैसे आपका चुनाव रहेगा, कैसी आपकी लड़ाई रहेगी? देखिए, रीता बगड़ा जी हैं, चुनाव तो चुनाव होते हैं, जने सभी खड़े होते हैं, हर एक अपना दल खड़ा करता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, किसी का नाम होता है, किसी का नाम नहीं होता है। लेकिन योग्यता किस में होती है, जनता किसको प्यार करती है, जनता का किस पे विश्वास है, वो जनता अपना वोट डाल के बताएगी। यहाँ मैं हराने किसी को नहीं आई, हारने नहीं आई, मेरा मोटिव जीतना है, मैं जीतने ही आई। ये तो थी भवानी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनके मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान पर उतरी हैं। आगे भी हम और प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मुद्दा है क्या। प्रयागराज से पंकज।